नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो शायद आपको इन्जॉयमेंट दे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रेम की कहानियों के बारे में। इतिहास में कई ऐसे राजाओं की कहानियाँ हैं जो अपने प्रेम के लिए बहुत ही मशहूर थीं। हम आपको ऐसी ही 8 कहानियों के बारे में बता रहे हैं। भागमती और मोहम्मद कुल्ली। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में प्रेम कहानी। इतिहास में भागमती के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। कई लोग उनके वजूद तक पर सवाल उठाते हैं, लेकिन किस्सा है कि सुल्तान मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह पहली नज़र में भागमती को दिल दे बैठे थे। सुल्तान ने उनके सम्मान में भागनगर से एक शहर बसाया और वहीं भागनगर आज हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। रानी रूपमती और बाज बहादुर। 16वीं सदी में कहां मालवा के आखिरी सुल्तान बाज बहादुर रूपमती की खूबसूरती और गायकी पर फिदा थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी की। इसी दौरान अकबर ने मालवा पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में बहादुर की हार हुई और रूपमती ने आत्महत्या कर ली। कुछ साल अकबर से युद्ध लड़ने के बाद बहादुर ने हार मानी और अकबर की सेना में शामिल हो गया। रजिया सुल्तान और जमालुद्दीन याकूत। कहां दिल्ली प्रेम कहानी। याकूत एक अफ्रीकी गुलाम था जिसे दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान से मोहब्बत हुई। दोनों के प्यार के चलते विद्रोह हुआ और याकूत की मौत हो गई। रजिया का निकाह जबरन मलिक अल्लुतनिया से हुआ। उसके बाद एक अन्य विद्रोह में सुल्तान और अल्लुतनिया दोनों की ही मौत हो गई। बाजीराव और मस्तानी। 18वीं सदी में कहां पुणे महाराष्ट्र प्रेम कहानी। बाजीराव कभी जंग न हारने वाला योद्धा था और मस्तानी हिंदू राजा और फारसी मुस्लिम महिला की खूबसूरत बेटी थी। अपनी पहली पत्नी, माँ और बच्चों के विरोध के बावजूद बाजीराव ने मस्तानी को छोड़ने से इनकार कर दिया। आखिर में बाजीराव की मौत के बाद मस्तानी भी चल बसी। दोस्तों, इनके ऊपर तो एक फिल्म भी बनी जा चुकी है। जैसा कि आप जान आपके सामने एक फिल्म आई है बाजीराव मस्तानी, वो इसी किरदार के ऊपर बनाई गई थी। पृथ्वीराज संयुक्ता। 12वीं सदी में कहां कन्नौज उत्तर प्रदेश प्रेम कहानी। कन्नौज की रानी और दिल्ली के राजा की यह प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प है। पृथ्वीराज और संयुक्ता एक दूसरे को बिना देखे ही प्यार करने लगे थे। संयुक्ता के पिता ने स्वयंवर से इनकार कर दिया। आखिरकार पृथ्वीराज ने संयुक्ता को भगाने का फैसला किया। इसके बाद अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से युद्ध में हारने के बाद चौहान की हत्या हो गई और संयुक्ता ने पकड़े जाने से पहले आत्महत्या कर ली। शाहजहां और मुमताज महल। 16वीं सदी कहां आगरा उत्तर प्रदेश। 14 बच्चों की मां मुमताज की मौत बच्चे को जन्म देने के दौरान हुई। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया जो आज दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक और मोहब्बत की निशानी माना जाता है। मुमल और महेंद्र। 9वीं सदी में देश प्रेम कहानी। दोनों को राजस्थान के लेला मजनू भी कहा जाता था। खूबसूरत राजकुमारी मुमल को शादीशुदा महेंद्र से प्यार हो गया। माँ बाप की मनाही के बाद भी दोनों छुपकर एक दूसरे से मिलते रहे। महेंद्र को सजा के तौर पर कुएं में फेंकवा दिया और मुगल उसका इंतजार करती रही। अशोक और कौरव की 3री सदी कहां कलिंग उड़ीसा प्रेम कहानी। अशोक को उसके माता पिता बिंदुसार ने कलिंग से निर्वासित कर दिया था। उनकी मुलाकात एक मछुआरे परिवार के संबंध रखने वाली कौरवक्की से हुआ और दोनों की शादी हो गई। कलिंग को जीतने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हुआ। इस दौरान उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन कौरवक्की हमेशा उसके लिए खास रही। अशोक को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उन्होंने ही प्रेरित किया था। हर पल सच्ची खबर के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब करिए।